Assalamualaikum, dear students of 9th class. So our topic is Old Man at the Bridge. It's from page number 99 of your textbook. यहाँ तक हमने पढ़ा कि ओल्ड मैन अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे थे उससे हेमिंग्वे को कि I was told to leave my village because of artillery. तो यहाँ से हमने पढ़ना है कि हेमिंग्वे वापस में क्या कर रहे हैं. डिड यू लीव द डो केज अनलॉकड. डो केज डो वॉज वन ऑफ द एनिमल ऑफ ओल्ड मैन. हाँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एज ओनली टेकिंग केयर ऑफ माई एनिमल्स. सो यहाँ पे ये कह रहे हैं इससे कि डू यू लीव द डो केज अनलॉकड. आई आस्क्ड. येस देन दे विल फ्लाई. येस सर्टनली दे विल फ्लाई बट द अदर्स. इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स ही सेड. If you are rested, I would go. I urge it. Get up and try to walk now. Thank you, he said, and got to his feet, swayed from side to side, and then sat down backwards in the dust. I was only taking care of animals, he said dully, but no longer to me. I was only taking care of animals. There was nothing to do about him. It was Easter Sunday and the fascists were advancing towards the Ebro. It was a grey overcast day with a low ceiling, so their plans were not up. And the fact that cats know how to look after themselves was all the good luck that old man would ever have. So यहाँ से हमने पढ़ा कि वो कह रहे हैं कि कैट्स जो है वो अपना ख्याल रख सकते हैं, बाकी जो है गुड्स जो है उनकी उसको फिक्र हो रही थी. ये उसे कह रहे कि आपने डॉग केज को केज जो है पंजरा जो है आपने अगर उसको अनलॉक रखा होगा तो देन दे विल फ्लाई. ओल्ड मैन कह रहे हैं ये सर्टनली यानी कि आई एम श्योर दे विल फ्लाई बट द अदर्स. बट द अदर्स अदर्स यू आर रेफर टू द रेस्ट ऑफ एनिमल्स. ये कह रहे हैं कि इट्स नॉट टाइम. इट्स ये टाइम नहीं है, ये वक्त नहीं है. आपको तो उनकी फिक्र नहीं होनी चाहिए. इफ़ यू आर रेस्टेड आई वुड गो. ये कह रहे हैं हेमिंग्वे. आई अर्जेंट गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ. आप अब कोशिश कीजिए चलने की. थैंक यू ही सैड एंड गॉट टू हिज फीट सीवेड फ्रॉम साइड टू साइड. तो यहाँ पर मैंने लिखे हैं कुछ ये वर्ड्स. आज के वर्ड्स जो हैं सीवे मीन्स मूव अनस्टेडली मीन्स कि नॉट होल्ड फॉर्म इन अ पोजिशन. हिलना एक राइट लेफ्ट मतलब वो क्या है कि फर्मली ग्राउंड पर स्टैंड नहीं रहना उसको बोलते हैं सीवे. डली है. डली मीन्स इन अ डल मैनर. फैसिस्ट मीन्स द ग्रुप विच रिलेटिंग टू फैसिज्म. But no longer to me. I was only taking care of animals. There was nothing to do about him. It was Easter Sunday and the fascists were advancing towards the Ebro. Ebro means मैंने यहाँ पे भी लिखा है, परसों भी मैंने आपको बताया है. It's a name of river in Spain. और fascists जो हैं वो fascists means वो group जो किसका favor कर रहे थे fascism का. It was अ ग्रे ओवरकास्ट डे. ओवरकास्ट होता है कि जब बादल हो, क्लाउडी हो तो ओवरकास्ट विद अ लो सीलिंग. सीलिंग भी यहाँ पे हेयर इट रेफर्स टू क्लाउड्स. ऑन सो देयर प्लान्स वेर नॉट अप एंड द फैक्ट दैट कैट्स नो हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स वाज ऑल द गुड लक दैट ओल्ड मैन वुड एवर है. यानी कि यहाँ पे जो है कि सेलिंग यानी ओवरकास्ट की वजह से जो प्लान्स जो हैं जेट्स जो हैं जो जहाज़ वगैरह जो है वो टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं, वो उड़ नहीं सकते हैं. और ये यहाँ पे फैक्ट मींस फैक्ट विच ट्रू. जो कैट्स जो है वो अपना ख्याल रख सकते हैं तो ये यहाँ पे क्या रहता है. इट वॉज अबाउट इट वॉज अ गुड लक. जो एक जो किसका गुड लक था ओल्ड मैन का, क्योंकि कैट जो थे वो किसके ये थे पैट्स थे ओल्ड मैन के. तो यहाँ पे इसमें हमें क्या करना है, इसमें एक्चुअली हेमिंग्वे जो है ये मैसेज देना चाहते हैं कि इनको अपने रीडर्स को इनकी ये है कि इम्पैक्ट ऑफ वॉर्स. सो मैं कल पढ़ाऊँगी आपको कि इम्पैक्ट ऑफ वॉर्स जो है विक्टिम्स ऑफ वॉर कौन कौन है इसमें विक्टिम, वो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह.
तो हमने आज इस लेसन को कंप्लीट किया।